सरप्राइज गाइस, काले तो क्या हुआ, दिल वाले है। और ये गाड़ी फंस गई, अंतड़िया बाहर आ गई थी गाइस, अंतड़िया। गाइस आप विश कोई भी मांग लेना, पर करोड़पति बनने की विश ना मांगना। हेलो मामू, चले हैं फोटो शूट्स, शूट नहीं शूट्स। क्या लेना? चिज्जी गाइस, अब हम चिज्जी खाएंगे। चिज्जी चिज्जी ले गए उसे, फिर क्या कहते हैं, चौमिन कहते हैं, चौमिन। तो चिज्जी होती है गाइस। पहले मतलब 5-8 साल पहले एक साधु बाबा रहते थे। तो गाइस एक खप हो गई है। मैं अभी वीडियोस देख रहा था, और जो मैंने मंदिर की वीडियोस ली थी वो जो है उस टाइम पे फोन हैंग मार गया और वो वीडियो बनी नहीं। तो गाइस क्या कर सकते, किस्मत खराब। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आए हो, बढ़िया होंगे। तो आज आप देख सकते हैं हम कहीं जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सरप्राइज गाइस। बॉय कौन सा सरप्राइज। वैसे भी गाइस आप लोगों को वीडियो का टाइटल देख के पता लग जाएगा। तो गाइस आज हम जा रहे हैं घूमने। तो जैसे नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो फिर माता रानी के दर्शन करने जाना भी ज़रूरी है। तो हम आज शाहीकोटी मंदिर जा रहे हैं, बहुत हाइट में। और गाइस भांडे बर्तन और राशन डाल दिया है। फिर हम जाएंगे चलो आशी। हेलो, तो गाइस बैठ गए हम गाड़ी में, तो चलिए चलते हैं फिर। इसी के साथ हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। अभी पहुंचे तो नहीं है, हमको यहाँ जाना है ऊपर टॉप। आपको बेहतर है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलो फिर। 2000 years later। तो गाइस आखिरकार इतना चलने के बाद हम पहुंच गए, बस थोड़ा सा ही रास्ता रहा है। चलते चलते बहुत थक गए, बहुत खड़ी चढ़ाई है गाइस। पहले ठंड लग रही थी, पसीना उतर गया। और यहाँ के व्यू की क्या ही बात करें, देख ही सकते हैं आप क्या व्यू आ रहा है। तो गाइस देखिए व्यू, कितना सुंदर व्यू है। तो गाइस बाकी सब तो ठीक है, मैं कैमरा वैमरा लेके चला हूँ, लेकिन मैंने ये तो सोचा नहीं कि बाकी लोगों की फोटो तो मैं ले लूंगा, लेकिन मेरी फोटो कौन लेगा। ये तो सोचा ही नहीं गाइस, कौन लेगा मेरी फोटो।
बस ये क्यों बांध दिया यहाँ पे, विश पूरी करने के लिए। गाइस यहाँ पे विश पूरी करने के लिए चुनरिया बांधी जाती है, तो आप भी आइए अगर आपकी कोई विश हो तो, यहाँ पे चुनरी बांधी है तो वो पूरी हो जाएगी 101% चांस है। पैसा ही पैसा होगा गाइस, आप विश कोई भी मांग लेना पर करोड़पति बनने की विश ना मांगना। तो गाइस ये है वो जगह जहाँ पे मुंडन होता है, मेरा मुंडन भी यही हुआ था, मासी का मुंडन भी यही हुआ था, सभी का मुंडन यही हुआ था गाइस। ये गणेश भगवान का मंदिर है शायद। जय हो माता रानी, निकल कृपा बनाए रखना। तो गाइस हमको एक कुआं मिल गया है, पहला कुआं। चलिए फिर ढूंढते हैं बाकी 6 कुएं और। नहीं वो नहीं मिलेंगे, हम ढूंढेंगे कैसे नहीं मिलेंगे। बाकी व्यू बहुत बढ़िया है, चलो जितने मिले उतने ठीक है। वाह क्या व्यू है गाइस। हेलो मामू, गजब बेइज्जती है। तो गाइस दर्शन अच्छे से हो गए हैं, दर्शन करके निकल गए हम और चले हैं फोटो शूट्स। मैंने सबकी फोटो तो ले ली लेकिन मेरी फोटो किसी ने ली नहीं। मैंने ली, मासी को बोला था लेने को और वो फोटो देखने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है गाइस। काड़ा आ रहा हूँ, जैसे शक्ल होगी वैसे काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है। बने रहे गाइस हमारे साथ, चलिए अब चलते हैं थोड़ा नीचे की ओर। भूख लग गई गाइस, अब हम कुछ चिज्जी खाएंगे। चिज्जी क्या खाएंगे? चिज्जी क्या खाएंगे हम? चिज्जी खाएंगे हम। चिज्जी क्या हो रहा है? मोक्षित का मुंडन। टिक्का टेढ़ा है, क्या लेना? चिज्जी गाइस, अब हम चिज्जी खाएंगे। चिज्जी तो गाइस हमने मंदिर से दर्शन कर लिए और कसम से दर्शन करने के बाद ऐसा मन को शांति फील हुई ना, बता नहीं सकता। बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस हमने चिज्जी के नाम पे पता क्या लिया मासी? पकौड़े की चटनी, पकौड़े की चटनी। हाँ, खाने पे तो यहाँ पे हमको चिज्जी के नाम पे पकौड़े मिले हैं। बाकी अब नीचे एक दुकान होगी तो फिर देखते हैं, वहाँ पे कोई अच्छी सी चिज्जी मिली तो वहाँ से अच्छी सी चिज्जी लेंगे। जंगल में कोई अच्छी चिज्जी नहीं मिलती, जंगल में तो फिर जंगली फ्रूट्स वो भी कहीं दिख नहीं रहे है। तो गाइस देखिए यहाँ का व्यू कितना सुंदर व्यू है, और कसम से ठंड है बहुत ज्यादा। मैं तो पहले एक ही कमीज में चला था बट फिर ये देखिए यहाँ का व्यू, ये सबसे टॉप में है, ये यहाँ नीचे को 12-20 है। ये पटेना है गांव, ये कौन सा गांव है मासी? ये पार ना कूल पत्नी, कौन कौन से गांव है? जय माता शीला वाली, जय भोले बाबा, जय माता। तो गाइस हमको चिज्जी वाली दुकान मिल गई है तो हम चिज्जी खाएंगे। चिज्जी ले गए थे उसे, फिर क्या कहते हैं? चौमिन कहते हैं, चौमिन। तो चिज्जी होती है गाइस, चौमिन खाएंगे हम। बड़े समय बाद, बहुत ढूंढने के बाद मिली हमें चिज्जी, चौमिन की दुकान। चलिए देखते कैसा बनेगा यहाँ पे चौमिन। यहाँ पे क्या है, ये झंडा क्यों लगा है यहाँ पे? ये झंडा जो है ना माता का स्थान है ये, ठीक है जी। यहाँ पर मतलब सदियों बहुत पहले, मतलब 5-8 साल पहले एक साधु बाबा रहते थे। साधु बाबा रहते तो वो साधु बाबा मतलब गांव वाले जब भी आते थे यहाँ पर ना, वो पहले ही बता देते थे कि मतलब
यहाँ पर आने से पहले बोला पहले कोई आवाज दे, कोई भी आदमी आता है कोई आवाज, जैसे मतलब आवाज से पुकारे कि मैं आ रहा हूँ, तो मतलब वो साधु बाबा जो है भालू नहीं बनते, ये तो साथ भालू बनते थे वो, तभी मतलब उस टाइम से। फिर माता का स्थान भी है यहाँ पर, माता भी रहती थी, तो तब से मंदिर ऐसे, फिर यहाँ पर हम हर साल पूजा करते हैं। और ऊपर जो है ये छोटा सा मंदिर है, ये भी छायाकुटी माता का मंदिर है, अच्छा ठीक है। ठंड बहुत है और ठंड में चाय पीने का कुछ अलग ही मजा है, और यहाँ पे मौसम भी खराब होने लग गया है, देखते हैं क्या होता है। बारिश नहीं लगनी चाहिए, बाकी चाय का मजा लीजिए। हेलो मामू, हेलो मामू को मत करो, बोलो कर दी, बोलो कर दी। तो गाइस यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया है, अब देखते हैं कब तक बारिश लगती है। व्लॉग में हड्डियां चबानी वाले को मिला। तो गाइस यहाँ पे इतनी ठंड है कि हम आग सेक रहे हैं, और ये निब्बा पूरा का पूरा भीग गया है। हेलो साले, तब बोलता है मेरे को ब्लॉग मिले, अब छुप रहा है। आग सेक लो गाइस। तो गाइस हमने पेट पूजा कर लिया है, पेट पूजा में मिला मटर पनीर, निब्बा पेट पूजा में मटर पनीर मिला था फर्स्ट क्लास, क्योंकि हम नॉन वेज नहीं खाते इसलिए हमको मटर पनीर मिला था, वरना हड्डियां चबाते, वरना हम भी हड्डियां चबा रहे होते, उसके लिए टाइम ज्यादा लगता है, हम अभी फ्री नहीं होते। 5 मिनट में हमने खाना खा लिया है, बाकी लोग अभी खा ही रहे हैं। हो गया बंद कर ले। तो गाइस ये यहाँ पे दारन घाटी में विश्राम गृह, बोले तो रेस्ट हाउस, और ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, ऐसा मैंने सुना है वे। यहाँ पर इसकी हिस्ट्री लिखी है। हाँ हिस्ट्री लिखी है, शायद मासी मजाक कर रहे हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं हम, चलिए आज चलाने। तो देख सकते आप, अब हमारा निकलने का टाइम आया और मौसम भी साफ हो रहा है। क्यों ऐसे मौसम खराब हो रहा है, साफ हो रहा है उधर, उधर देखिए उधर, इधर इधर को खराब है और इधर को, हमने जाना तो उधर है, उधर को सही है। तो गाइस आखिरकार हम पहुंच ही गए, और क्या ही बताऊं, आंतड़िया बाहर आ गई थी गाइस, आंतड़िया बाहर। तो गाइस मेरा कैमरा लाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी एक भी फोटो नहीं है, किसी को फोटो खींचनी आती नहीं थी गाइस, और मेरा कट गया बुरे तरीके से। एक दो फोटो खींची मेरी मासी ने, और ऐसी फोटो खींची है क्या बताऊँ अब आपको, कैमरा लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप भी जाइए श्रीकोटी माता के मंदिर और दर्शन कीजिए, आपको भी बहुत अच्छी फीलिंग आएगी अंदर से, बहुत अच्छी वाइब आएगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।